दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कई तरह की पेंटिंग्स देखी होगी। ये सभी पेंटिंग्स अपने भीतर एक रहस्य छिपाए हुए होती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी पेंटिंग के बारे में बताएंगे जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग है। दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। इस पेंटिंग को मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में ये पेंटिंग बनानी शुरू की थी, जो 1517 में बनकर तैयार हुई थी। यानी इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए। कहा जाता है कि 12 साल तो केवल मोनालिसा के होंठ बनाने में लग गए थे। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने इस तस्वीर को पूरा नहीं बनाया था, बल्कि 1519 में उनकी मौत के बाद उनके सहयोगियों ने इस पेंटिंग को पूरा किया। वैसे तो इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा है, लेकिन समय के साथ साथ इसका नाम बदलकर मोनालिसा पड़ गया। इस पेंटिंग को पेरिस के लूवरे संग्रहालय में रखा गया है। दुनिया भर के लोगों के लिए ये पेंटिंग रहस्यमय क्यों है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग मशहूर होने के साथ साथ रहस्यों से भरी हुई है। इस पेंटिंग में जिस लड़की की तस्वीर है उसको लेकर अलग अलग दावे हैं। कहा जाता है कि जब मोनालिसा गर्भवती थी तब मोनालिसा की ये तस्वीर बनाई गई थी, और दूसरा दावा ये किया जाता है कि इस तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो दा विंची ही है, जिसमें उन्होंने खुद को एक महिला के तौर पर दिखाया है। दोस्तों, अब हम आपको मोनालिसा पेंटिंग के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय बातें बताएंगे जो आपको वाकई हैरानी में डाल देंगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग की जो सबसे रहस्यमय बात है वो है मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग प्रतीत होती है, मतलब बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर ये मुस्कान फीकी पड़ने लगती है, और फिर ये मुस्कान बिल्कुल गायब हो जाती है। जिस औरत को लियोनार्डो ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छिपाए हुए है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। और एक हैरानी वाली बात तो ये है कि फ्रांस के एक आर्टिस्ट लूस मैस्पेरो ने 23 जून 1852 में पेरिस के एक होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह इस पेंटिंग में नजर आ रही मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और उसकी सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं मोनालिसा के प्यार में पागल हूँ, अगर मोनालिसा मेरी नहीं हुई तो मैं भी किसी और का नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, पेरिस में स्थित इस पेंटिंग को लव लेटर फ्लोवर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर चले जाते हैं। एक बार एक आदमी ने पेरिस के लूवरे संग्रहालय में लगी इस पेंटिंग पर केक फेंक कर इसे खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन बुलेट प्रूफ कांच की वजह से इस पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश हो चुकी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6,500 करोड़ रुपये है। दा विंची की बनाई हुई ये पेंटिंग आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने बताया है कि मोनालिसा की पेंटिंग में एक एलियन छुपा हुआ है। यह बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों, इस पेंटिंग के बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।